पुणे डे थ्री शूट डे टू हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। ये एक्चुअली चार दिन का शूट था बट चार दिन का परमिशन नहीं दिया गया था शूट वाले प्रोडक्शन यूनिट को। हमारे पास सिर्फ दो दिन का टाइम था तो दो दिन के अंदर अंदर पूरा शूट को रैपअप करना था, इस हिसाब से काम करना था। इसलिए कल इतना ज़्यादा शूटिंग किया और क्योंकि टाइम कम होने की वजह से जितना भी था रूटीन पूरा पैक्ड था। शूटिंग ज़्यादा करने की वजह से अभी कल ये हो गया कि मैं बीमार पड़ गया आधा अच्छा खासा। मेरे को अभी ज़ुकाम और कफ हो चुका है तो बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। बट एक चीज़ का रिलीफ है कि आज ज़्यादातर डायलॉग बोलने का काम नहीं है, शॉर्ट्स खाली सिनेमेटिक्स होने वाले ज़्यादातर, तो उन्हें खाली फुटेज है। तो आज का जो शूट है बेसिकली उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अभी हम जो बूट कैंप की टेरेस पे है वहाँ से अगर आप व्यू देखोगे भाई मज़ा आ जाएगा आप लोगों को व्यू देखने में भी। आजू बाजू हम चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए, पूरा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम जो है एक नंबर हो रखा है शूट के लिए। तो अभी फ़िलहाल लंच टाइम चल रहा है क्योंकि बहुत टाइम से सब लोग शूट कर रहे थे। मैंने स्टार्टिंग का जो शूट है वो व्लॉग में नहीं लिया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। जस्ट सो के उठ के बिना नहाए आया था शूट के लिए, फिर बाद में वापस नीचे नहाने गया और अब वापस ऊपर आया हूँ। तो अभी लंच टाइम चल रहा था, अब आगे जाके शूट कंटिन्यू होगा तो मैं बीच में आप लोगों को थोड़े थोड़े शूट की झलकियाँ दिखाने वाला हूँ। एनीवेज वेलकम टू द व्लॉग एंड आई होप यू गाइस आर ऑल डूइंग ग्रेट। आजा ए हटो अमर ओए शिवाजी हट वहां से हगना तो इन्हें है वो से। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे चनू ने काट रहा रूसवती हुई पब्लिक, हम लोग इतनी ऊंचाई के ऊपर है कि अगर अभी मैं नीचे देखने गया ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, आराम से पकड़ के रखना हो मेरे को। ओ भाई देखने में भी बूम बाम हो रहा है मेरा। इधर से देखो तो पूरा सोसाइटी का नीचे तक दिखेगा अपन को। ठीक है, क्या बोलती पब्लिक, कैसे लग रहे हो अपन? देखो अभी अपन ऊपर चढ़ तो गए बट नीचे उतरने में अभी मेरी फटने वाली है। सीधा उतरना सही है उल्टा? सीधा उतरो। ओए एक तो ये सीढ़ी इतनी हिल रही है उतरने में। ओए चलो
We're gonna be meeting the director for the shoot. Wow. Nice, yeah. Looks firangi a bit. So he's suggesting me कि मैं ऐसा कैमरा ले लूँ व्लॉग के लिए क्योंकि उनमें मेरे उनको मेरे अंदर टैलेंट दिखता है. नहीं नहीं, I don't think so. ठीक, but ये कैमरा लेने के लिए प्रीफर कर रहे हैं. और ये कैमरा कितने का आता है? 4 lakhs. बस only लगाना भूल गए आप. Okay, only. 4 lakh only है ना? तो तेरे को क्या है यार, PUBG players earn lot of money. Pro players. हाँ ठीक है, हम कमाते हैं 5 digit में, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी खरीद ले. यूज करेगा क्या? मैं नहीं कर पाऊंगा. तो यहाँ का अभी शूट होने में टाइम है, ऊपर का बूट कैंप का. तो अभी फिलहाल के लिए क्रॉन्टन के घर पे शूट चल रहा है उनके उसके मॉम डैड का, तो हम जाके वो देखते हैं कैसा चल रहा है. चलो भाई चलो, क्या चल रहा है, क्या शूट हो रहा है भाई. ओह ये क्रॉन्टन का भाई, देखिए गाइस नया घर जो बन रहा है अभी कंस्ट्रक्शन में, अंडर कंस्ट्रक्शन. यू कैन सी दिस, अभी बहुत काम बाकी पड़ा है. अंकल भी ब्लॉग बना रहे. अंकल आप भी ब्लॉग बना रहे क्रॉन्टन के पापा? मैं ही क्रॉन्टन का पापा. अंडी फुल जस्ट वेरी स्टैटिक शॉट. ओके एक दिस रूम एंड लिविंग रूम एंड वन फ्रॉम द बालकनी लुकिंग इनसाइड फिनिश. ओके कम गाइस ऑल लेट्स गो. क्या करना है? कुछ नहीं करना, अपने लगाने. ठीक है ठीक है. हस्तर भाई भी आ गए यहां पे. हस्तर भाई का व्लॉगिंग चालू हो गया. चल चल हस्तर, अब क्या मुँह से दिखाएगा क्या? एक हाय तो बोल दे YouTube फैमिली को. हेलो, शाउट आउट, शाउट आउट अविनाश को, शाउट आउट टू गोपाल. बस यही पे कट है. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सीन, टेरेस का जो भी सीन था सब कुछ शॉर्ट हो चुका है, वहाँ का कंप्लीट हो चुका है. अब यहाँ पे अंदर रूम के अंदर एक सीन है मेरा जो कि नेक्स्ट उसका थीम है कि मुझे अपने टीममेट को कॉल करके उससे डिस्कस करना है पबजी बैन के बारे में. तो वो लगभग यहाँ पे रिकॉर्ड होने वाला है. अब उसके लिए अभी कैमरा और सब सेटअप होना चालू होंगे एंड उसके बाद पाँच मिनट का मैक्स टू मैक्स क्लिप होगा. बट देखते हैं उसके अंदर कितने टेक्स लगेंगे, तो वो मेन दिक्कत वाली बात है. होपफुली फर्स्ट टेक के अंदर मैं कर लूँगा, बट कल को या कुछ भी हो सकता है. लेट्स सी, स्टार्ट करो. यस, रोलिंग गाइस, रोलिंग. ओके सुपर. तो एक्सपोनेंट सही है क्या? तो इसी के साथ जो हमारा 2 दिन का शूट शेड्यूल था वो ख़त्म होता है. एक दो शॉट्स बाकी है लेना, बट वो नेक्स्ट 1-2 hours में हो जाएंगे. बट मुझे व्लॉग को यहाँ पे जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि वो जो शॉट है वो देने के बाद मैं खाना खाने जाऊँगा एंड 9-10 बजे के आसपास मैं सोने चला जाऊँगा. आज इसलिए जल्दी सोने जा रहा हूँ क्योंकि कल सुबह 6 बजे उठ के राजगढ़ फोर्ट जाना है. तो जो अगला व्लॉग आने वाला है वो आने वाला है हमारा ट्रैकिंग व्लॉग. वहाँ पर बहुत सा मज़ा आने वाला है एंड मैंने सोचा है कि मैं जो भी अपने नेक्स्ट व्लॉग्स आएंगे उनको 5 से 6 मिनट का ही रखूँगा, पूरा कंटेंट से भर के. छोटे रखेंगे बट अच्छे रखेंगे. इसी के साथ मैं आप लोगों से लेता हूं अलविदा. अगर आप लोगों को ये व्लॉग किसी भी तरीके से पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब का बटन दबा दो अगर चैनल के ऊपर नए आए हो, डिसलाइक का बटन दबा सकते हो अगर आपको व्लॉग पसंद नहीं आया. बट उससे पहले मैं कहना चाहूँगा यार, कैसे आपको ये व्लॉग पसंद नहीं आ सकता, प्लीज़ डिसलाइक का बटन दबाने से पहले सोचना. कमेंट सेक्शन में बता दो ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा. मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नए व्लॉग में एक नई कहानी के साथ. तब तक के लिए मैं लूंगा आप लोगों से अलविदा. बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड डू व्हाटएवर यू गाइस वांट टू डू, जस्ट बी हैप्पी इन योर लाइफ. पीस.